कला अंजुम, एक इतना अच्छा रैपर है कि इंडस्ट्री के लेजेंड से लेकर बड़े बड़े आर्टिस्ट तक सबको अंजुम के गाने पसंद है। कला अंजुम शायर है, कला अंजुम का शेर था ये। बारी माँ की कसम भाई, माँ की कसम, वो फसावट थी, बोलने वाला था ना। अंजुम को बच्चे बच्चे से लेकर लड़के लड़कियां सब सुनते हैं। अंजुम को पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया में सुना जाता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूं तो तला अंजुम हमेशा मेरे स्पॉटिफाई के फेवरेट आर्टिस्ट के लिस्ट के टॉप में रहता है। पर ये तो सब लोग कहते हैं कि तला अंजुम एक गोट रैपर है जो हद से ज्यादा अच्छे गाने बनाता है। बट ये कोई नहीं कहता कि अंजुम में ऐसा क्या खास बात है जो अंजुम को इतना आउटस्टैंडिंग बनाता है। बट इस वीडियो में मैं तुम लोग अंजुम के ऐसे 5 स्पेशलिटीज के बारे में बताऊंगा जो अंजुम को द मोस्ट कंप्लीट रैपर बनाता है। और इस लिस्ट के सेकंड स्पेशलिटी से तो तुम लोग भी 100% करोगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ स्पेशलिटी, दैट इज तला अंजुम अपने गानों में बहुत मच्योर साउंड करता है। याद करो वो पहली बार जब तुमने अंजुम के गाने को सुना था, आई एम श्योर तुम में से काफी लोगों का पहला इंप्रेशन ये था कि यार ये बंदा कितना मच्योर साउंड करता है, इसकी बातें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि मुझे मेरा बड़ा भाई अपने गाने के जरिए अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है और मुझे अपने फ्यूचर के बारे में भी एडवाइस दे रहा है। कुछ नहीं मिलना रैप से, घर वाले कहते घर में स्टूडियो बदलता है, यू जस्ट गॉट टू डू यू, खुदा सबका है मत होना उदास, तेरी तरह एक इंसान ही जिगर, मैंने टाइम लगाया कोई नहीं बोला मुझे लगा रहे, तो मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा है और लगा। इनफैक्ट तला अंजुम अपने डिस्ट्रैक्ट में भी अपने ओपोनेंट्स को गालियां देने के बजाय उन्हें एक बड़े भाई की तरह डांट रहा होता है। तला अंजुम अपने डिस्ट्रैक्ट में अपने ओपोनेंट्स को हार्ड हिटिंग रियलिटी चेक्स देता है, या फिर मैं अगर इस चीज को सिंपल शब्दों में कहूं तो तला अंजुम अपने ओपोनेंट्स को सच का आईना दिखाता है। तू ही था जो मुझे कह रहा था गली बॉय, मैं चुप रहा सोचा तेरी ये रोटी लगी रहे, तुम लन के नीचे ही हो अभी भी और वहीं रहे, जब था मैंने शुरू किया तुम सीन में नहीं थे, नहीं उठाया ठेका पर मैं हूँ जिम्मेदार, इनमें से कोई चल पड़े तो समझो मुझे जिम्मेदार, ये खुद जिम्मेदार अपने हाल के, ये आते जाते रहते जैसे झांट के हों बाल, ये चैन को टाइम दो वो कर रहा है वीडियो शूट, I'm doing it for the culture, he's doing it for the views, अबे मैं तब से कर रहा जब इधर कोई होता नहीं था, पटारी ताजी या लेवल से कोई समझौता नहीं था, ये सारे मेरे आगे बने मुझे याद है, ये तंज नहीं फैक्ट्स और फिगर्स की बात है, बैक व्हेन जब तेरी घड़ी भी नहीं होती थी, बैक देन जब हाथों में घड़ी भी नहीं होती थी, मैंने बदला मेरा वक्त करके मेहनत सख्त, मेरे पास कोई जादू की छड़ी भी नहीं होती थी, तू आया साल पहले खुद को बोले बादशाह, तेरा करियर महज एक हसीन हादसा, as per the facts you lack the sweet knowledge, mumble less साले तेरी ज़बान पे फालिज, चुप करके कैश कर, ये डिश तेरी तीसरी रोटी है बेटा ऐश कर। इस चीज में आई फील तला अंजुम इज वेरी सिमिलर टू हिज आइडल जे कोल। अंजुम बहुत सालों से कोल को अपना इंस्पिरेशन मानता है और कोल भी एक बहुत ही ज्यादा मच्योर रैपर है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अंजुम भी जे कोल की तरह अपने गानों में बहुत मच्योर साउंड करता है। अंजुम एक बड़े भाई की तरह अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और ये क्वालिटी डीएचएस के बहुत ही कम रैपर्स में है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्पेशलिटी दैट मेक्स अंजुम द मोस्ट कंप्लीट रैपर, दैट इज काफी तलाफी की काफी पराई काम नहीं जी, आप बोले थी मेरा नाम नहीं, पिल्स पॉप आई लेट द वीड स्मोक, समटाइम्स जस्ट टॉकिंग डज नॉट मेक द पेन गो। हम सब लोगों की लाइफ में एक फेज ऐसा आता है ना जब हम लोग ये कहते हैं कि यार मेरी जिंदगी में इतना दुखी कि मैं इसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता हूँ, और हम सब लोगों की लाइफ में एक फेज ऐसा भी आता है जब हम ये कहते हैं कि यार मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं इसे कोई भी वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ। अंजुम वो राइटर है जो अनएक्सप्लेनेबल चीजों को भी शब्दों में बयां कर सकता है। इस चीज को इंग्लिश में कहते हैं राइटिंग फ्रॉम द पीओवी ऑफ अ थर्ड पर्सन, एंड बहुत बार अंजुम किसी और बंदे की स्टोरी या फिर फीलिंग्स को अपने गानों के जरिए एक्सप्लेन कर रहा होता है। लिखता है 2012 में पहली दफा उसने मेरा कुछ सुना था, तब मैं शायद 15 का था, उसका कहना है कि वो था तब 16 का, वो लिखता है आज के दिनों में उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं, मेन स्ट्रीम ये स्ट्रीम वो स्ट्रीम, मेरे से हार्ट कोई आना ही नहीं, मैं सोचता हूँ व्हाई डू दे थिंक मेरे जैसा ना आने में मेरी कोई जीत है, जो मुझसे मुतासिर रहे मुझे उन लड़कों से बेतहाशा उम्मीदें,
मैं समझता हूँ तेरा पर्सपेक्टिव पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा फर्क है। आई केम फ्रॉम नथिंग, जान लगा दी, हसल के मामले कड़क है। और तो और अंजुम किसी भी जोन के लिरिक्स लिख सकता है। एंड अलोंगसाइड अंजुम स्टोरी टेलिंग एंड पोएट्री स्किल्स, अंजुम यूजेस वेरी गुड मेटाफर्स, रेफरेंसेस एंड ऑक्सीमोरन्स, व्हिच मेक्स हिम अ टॉप नॉच राइटर। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्पेशलिटी ऑफ तला अंजुम, दैट इज मिली पॉइंट टू इन द वर्स्ट केस अफगान ग्रेड, यू नो हाउ वी स्मोक शिट, हाथ बांध सेट, आई एम द फकिंग बॉस हियर, तुम सब मेरे पीछे, तुम सबसे आगे मौत है। वजन किधर, लिखाई में वजन किधर, फर्क देख अन्नी दिया, यू गॉट टनल विजन्स, ये कल्चर मेरा जाती बेटा, वेव राइड कर, यू कैन बी फकिंग विद अस, टच बेस, कराची मेरा इवन व्हेन आई एम इन लाहौर। अंजुम का आवाज में एक अलग ही बात है। अंजुम अगर सिंपल लिरिक्स भी रैप कर रहा होता है तो फिर भी अंजुम के गाने बहुत ही हार्ड हिटिंग और इम्पैक्टफुल बन जाते हैं, बिकॉज अंजुम का आवाज बहुत ही क्लियर होने के साथ साथ अंजुम का केडेंस और डिलीवरी भी टॉप नॉच है। फॉर एग्जाम्पल, अपने डिस्ट्रैक्ट 100 बार्स के लास्ट वर्ड्स में अंजुम ने कुछ बेसिक लिरिक्स यूज किया था, बट एक लिस्नर को सुनते वक्त वो लाइन्स बेसिक नहीं लगेगा, बिकॉज अंजुम ने अपने डिलीवरी और क्लियर वॉइस का उसमें बहुत ही अच्छा यूज किया है। खड़ा धूप में मैं स्टार बिना छतरी का, तेरी हट रही है मुझे पता है हट नहीं है, तू हुआ एक्सपोज जैसे सर पे छत नहीं है, मेरा वक्त नहीं है मेरा ये जमाना ब्रो, बाप कमाई से नहीं बनाया कभी गाना ब्रो, असल जरूरी है तो थोड़ी करके आना ब्रो, जो भी असली खड़े शाना बशाना ब्रो, पहले किए मैंने हैशटैग रैपर तबा, अब करूं हैशटैग टैक्सी रैप बैटल। सो अंजुम का वॉइस टोन में एक अलग ही लेवल का क्लैरिटी है, जिसके वजह से अंजुम अगर फास्ट रैप कर भी रहा है तो ऐसे नहीं लगता कि अंजुम उबला हुआ अंडा या फिर चिप्स मांग रहा होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एंड द बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ अंजुम, जिससे हम में से कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता, एंड दैट इज क्या आसान थी मौत, क्या एक उम्र थी या बस एक गम है शाम थी मौत, कोई तारुफ हुआ या फिर गुमनाम थी मौत, तुम जीते जी मरे तो वो तो नाम की मौत, मेरे शहर में तो एक वक्त पे आम थी मौत, कला को रुलाए कलाकार की मौत, so my brothers ride with me while the safety's off, अगर आ रहे हो this better be worth the cause. अंजुम था तो एक मामूली सा लड़का, बट धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अंजुम लाखों लोगों का आवाज बनता गया। अंजुम के गानों को ऑडियंस एंजॉय करने के साथ साथ उनसे रिलेट भी करते हैं। अंजुम के ऐसे बहुत सारे गाने हैं जैसे कि गुमान, अफसाने, डोनर्स एट डस्ट, जिन्हें गा तो अंजुम रहा है बट अंजुम उन गानों को लाखों लोगों के बिहाफ में गा रहा है, बिकॉज उन गानों से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल रिलेट करते हैं। अंजुम के और भी ऐसे काफी सारे गाने हैं जिन्हें सुन के ऑडियंस को ये लगता है कि यार ये तो मेरी स्टोरी के बारे में बात कर रहा है, ये तो मेरी स्ट्रगल्स को एक्सप्लेन कर रहा है। I'm on my own shit, ye focus kabhi toota nahi, life on the edge I wanna go, par main kooda nahi, mere junoon ko jahil samjhe shauk kyun, sab kaan lagaye still nobody to talk to, sabse yaadgar raatein sabse zyada vivid, sabse bade gham hi dete sabse zyada himmat, sabse bada nahi hu ghar ka par hai bada sabr, sab batate meri maa ko mujh pe bada fakhr, like I already did not know, कितनी देखी परेशानियां फिर करम और नवाजिशें बनावटी, हम थे ही नहीं तो चूती ये भी ना बने, इंडस्ट्री मेरी दोस्त नहीं वो चाहे मुझसे ना मिले, मेरे यारों को इस सबर का सिला मिले, मैं कितना खुशकिस्मत खड़ा हूँ वापस मामले, ये रिश्ते वापस ना मिले, जमे गफीर में जा मिले, ये भीड़ हमारे लिए थी और अब हम इसमें शामिल है, सम डेज। ये रिलेटेबिलिटी फैक्टर अंजुम को अपनी ऑडियंस से बहुत ही क्लोज लाता है, जिसके वजह से अंजुम के लाखों ऐसे फैंस हैं जो अंजुम को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, बिकॉज अंजुम के गाने रिलेटेबल होने की वजह से अंजुम का ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन है। अब ये तो था अंजुम का रिलेटेबल होने का स्पेशलिटी, बट एक लास्ट स्पेशलिटी है जो अंजुम का द मोस्ट कम्प्लीट रैपर बनाता है, एंड दैट इज मेरे वरियां दिमारत ही सोई नहीं, नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं, लखते जिगर की फिकर में वो रोएगी, लखते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो, सही समझे हाँ मैं भुट्टू ब्रो, मरना है सबने आई भुट्टू ब्रो, गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुट्टू को, सुध बुध को बैठाऊंगा खुद को ब्रो। अंजुम हर एक तरह के गाने बना सकता है, फिर चाहे वो 100 बार्स जैसा एक आइकॉनिक डिस ट्रैक हो, या फिर डोनर्स एट डस्ट जैसा एक इमोशनल सॉन्ग, या फिर लगा रहे जैसा एक मोटिवेशनल ट्रैक, या फिर एजेंसी जैसा एक गैंगस्टर वाइब का ट्रैक। इतना ही नहीं, अंजुम एडवर्टाइजल गानों के मामले में भी किसी से भी कम नहीं है। ऐसा लगे जैसे अब तू मेरे बस में ना, रियल टॉक खाता बिला वजह कस में ना, तेरे लिए दे दूं जान अपनी जाने मन, लेकिन देखे जाते मुझसे तेरे शश के ना, लुई बैग से निकालती वो एक्स मैक्स, फ्लेक्स करे लेकिन करती नहीं टेक्स बैक, ख्वाहिशात की वो कैदी बनी, कैसे करूं तुझ पे वेस्ट, मेरे पास नहीं कोई डैडी मनी, तू मेरे लिए सबसे बढ़ के, तुझसे मिलने आता मैं यारों को टोपी करके, दिल में जगह दी वो चले जाती सर पे, तेरे बिल्स पे करूं या खर्चा दूं मैं घर पे, दिल देने में क्या हर्ज है, लेकिन खत्म ही नहीं होते तेरे खर्चे, I swear to God meri bas hai, yeah, I swear to God meri bas hai।
So Tala Anjum is not at all a one-dimensional rapper. Tala Anjum is an all-rounder who can make any kind of song. And because Anjum has all the flavors of music, it just adds up to making him the most complete rapper of this hip-hop. Baki, yeah, agar tumhe video pasand aaya to video ko like karo. Aur mujhe comment karke batao ki out of all the five specialities, tumhara favorite kaun sa wala hai.